Hello everybody, this is JDK Guru, and today in this video lecture I am going to explain you a very beautiful story, The Artist, written by Shigo Noya. Shigo Noya is a very famous Japanese novelist and short story writer of the 20th century. He wrote very sensitively about his people and their culture. वे अपने लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में बहुत ही sensitively और बहुत ही sincerely अपने story में लिखा और दुनिया को दिखाया. लेकिन ये जो स्टोरी है वो थोड़ा सा अलग है. ये स्टोरी यूनिवर्सल थीम पे बेस करता है. इस स्टोरी में ये दिखाया गया किस तरह जो हमारे एडल्ट वर्ल्ड है वो बच्चों के जो टैलेंट है, बच्चों की जो टैलेंट है उसको पहचानने में कितना देर करते हैं और उसके टैलेंट के प्रति जो कितना इग्नोरेंट है और किस तरह से ये जो एडल्ट वर्ल्ड है ये उसके टैलेंट को क्रश कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, पूरी तरह से एक्सपायर कर देते हैं. क्योंकि जो हमारे वर्ल्ड, जो हमारी एडल्ट वर्ल्ड है वो ये समझती हैं कि जो पढ़ाई है वो मेन क्रिएटिविटी है, वो टैलेंट पढ़ाई में ही देखते हैं. और पढ़ाई के अलावा अगर कोई चीज़, अगर कोई अदर एक्टिविटीज़ बच्चा करता है तो उसे वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं. और इस स्टोरी में जो शिगो नोया जो राइटर है, शिगो नोया, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही स्मार्टली इस स्टोरी में प्रेजेंट किए हैं और दिखाने की कोशिश किए हैं. और इसमें ये बताया कि सिर्फ हमारे जो एडल्ट वर्ल्ड हैं वही इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, हमारी सोसाइटी भी आ जाती है, हमारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं, यानी हमारी सराउंडिंग इसमें इन्वॉल्व है. सब कहीं ना कहीं उस टैलेंट को इग्नोर करते हैं, उस टैलेंट को कहीं ना कहीं मतलब उसको नॉरिश नहीं करते हैं, ना उसको नर्चर करते हैं. सब लोग उसे एक्सपॉयल ही करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते. तो चलिए हम इस स्टोरी को डिस्कस करते हैं. ये स्टोरी एक बच्चे के बारे में है जिसका नाम है सिब्बी. वो 12 साल का है और अभी भी वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है. बच्चे पढ़ने के साथ साथ खेलों में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन सिब्बी इन चीज़ों से दूर है. सिब्बी खेलने में बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड है, लेकिन वो पैशनेटली इंटरेस्टेड है गॉड्स में. गॉड्स क्या है? एक लार्ज फ्लैशी फ्रूट्स होता है, यानी कद्दू. वो कद्दू को कलेक्ट करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है. सिब्बी का जो शहर है वो एक हार्बर टाउन है, एक बंदरगाह वाला टाउन है, और ये ऑफिशियल एरिया है, ऑफिशियल सिटी है. और इसकी जो मतलब फैलाव है वो लगभग 20 मिनट्स एक इंसान को लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में. और सिब्बी इस शहर के हर कोने कोने को जानता है जहाँ में कद्दू बिक्री होता है, और वो वहाँ से खरीद कर लाता है. और उसके साथ क्या करता है, उसके साथ वो ये करता है कि वो लाने के बाद उसके ऊपर एक होल बनाता है, कद्दू के ऊपर वो होल बनाता है, उसमें से सारे बीज को निकाल लेता है और उसमें टी लीफ डालता है ताकि इसका जो अनप्लीजेंट स्मेल है उसको मार दिया जाए. उसके बाद मतलब ड्रिंक्स जो उसके फादर पीते हैं कफ में, और उसमें कुछ छूट जाता है तो उसको लाकर उस पर वह पॉलिश करते हैं, फिर उसको टॉवल में लपेट कर और उसमें टिन में रख कर तब वो सोने जाता है. तो देखिए सिब्बी का रूटीन क्या है, सिब्बी क्या है, व्हेन ही हैड फिनिश ट्रीटिंग इट, उसके बाद वो सोने चला जाता है. और जैसे वो जगता है तो वो क्या करता है ना कि वो उस चीज़ों को निकालता है, कद्दू को निकालता है और उसको सनशाइन में रखता है, यानी धूप में रखता है सूखने के लिए, और उसके बाद वो स्कूल जाता है. अब एक बार क्या होता है ना कि सिब्बी को एक बहुत ही मतलब उसको बहुत ही फेवरेट कद्दू मिलता है, क्योंकि वो भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था. तभी एक स्टॉल पे जाता है कि जहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है और वो क्या होते हैं ना कि फ्रूट्स वगैरह बिक्री कर रही होती है. तभी वहाँ जाता है और वो पीछे देखता है, वो स्टॉल के पीछे, तो वहाँ पे कद्दू टंगे हुए रहते हैं. तो ये कद्दू को देखता है तो इसका जो हार्ट बीट होता है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, इसका पल्पिटेशन काफ़ी तेज़ हो जाता है. शायद इसके लिए सबसे अच्छा था, पहले कभी ऐसा कद्दू नहीं देखा था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और मतलब हाँपते हुए पूछता है उस लेडी से कि ये कितने का है. तो वो लेडी बताती है जैसा कि तुम बच्चे हो तो मैं इसे 10 सेन में दे दूँगी, मतलब 10 पैसा में दे दूँगी. यानी सेन क्या है ना, एक जापानीज़ करेंसी है,
बोली कि जैसे कि तुम बच्चे हो तो चलो मैं तुमको 10 सेन में दे देती हूँ। तो जो सीबी होता है वो कहता है कि ओके आप इसको मेरे लिए रखिएगा, इससे बिक्री मत कीजिएगा, मैं घर से पैसा लेकर आ रहा हूँ। और सीबी दौड़ता हुआ घर आता है और पैसा लेकर जाता है और उस लेडी को दे देता है पैसा, और वो उस कद्दू को ले लेता है। और उस कद्दू को लेने के बाद सीबी अब उस कद्दू से थोड़ा भी सेपरेट नहीं होता है, वो दिन रात उस पर काम करता है, दिन रात उसको मतलब वो अपना ट्रीटमेंट उस पर करता रहता है, उस पर जो वर्क होता है, जो पॉलिश करना, उसका और भी जो एक्टिविटीज़ है वो करता रहता है। इवन जब वो स्कूल जाता है तो भी उसको लेकर जाता है और वो अपने डेस्क के नीचे इस पर पॉलिश करता रहता है। और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। एक रोज़ क्या होता है ना कि सिब्बी जो है वो अपने डेस्क के नीचे वो इस चीज़ों को पॉलिश कर रहा था कद्दू को, तभी उनके एक टीचर पकड़ लेते हैं। और वो टीचर क्या था, वो इथिक्स के टीचर थे, यानी मोरल साइंस के टीचर थे, जो कि डिसिप्लिन बताते हैं, मैनर के बारे में बताते हैं, गुड थिंग्स के बारे में बताते हैं। और वो टीचर इनको पकड़ लेते हैं और इथिक्स के क्लास में, जिसमें ये सारा डिसिप्लिन बताया जाता है कि क्लास में कैसे रहना है, मतलब सोसाइटी में कैसे रहना है, फैमिली के साथ कैसे ट्रीट करना, यानी जो अच्छे मैनर को बताते हैं, और वो उसी क्लास में सिब्बी को टीचर पकड़ लेते हैं जो कि मोरल साइंस के टीचर होते हैं। और टीचर जो होते हैं इन चीज़ों को देखने के बाद वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और इन चीज़ों को बहुत ही ऑफेंसिव मानते हैं, और वो जो कद्दू होता है सिब्बी से छीन लेते हैं और सिब्बी को बहुत डांटते हैं। और सिब्बी चुपचाप वो घर आते हैं, एकदम उदास होता है सिब्बी, कुछ बोलता उलता नहीं है। और वो जाके एक कॉर्नर में बैठ जाता है अपने रूम में और ऊपर देखता रहता है टकटकी लगाकर, क्योंकि सिब्बी ने बहुत समय बिताया था उस पर, बहुत मेहनत किया था उस पर, और उसका जो फेवरेट कद्दू था आफ्टर ऑल, और वो मतलब टीचर ने छीन लिया। वो चलो छीन लिया कोई बात नहीं, लेकिन सिब्बी देखता है कि जो टीचर हैं वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट टीचर हैं और काफ़ी ज़्यादा विंडिकेटिव टीचर हैं। और वो टीचर सिब्बी के घर पर पहुँच जाते हैं सिब्बी का कंप्लेन लेकर। वो सोचते हैं कि उनके फादर होंगे तो उनसे हम मिलेंगे और उनके फादर को ये सारे बात बताएंगे, लेकिन उनके फादर नहीं होते हैं, इसलिए सिब्बी के माँ से मिलते हैं और सिब्बी को ये सारा चीज़ बताते हैं। इवन उनको बताते हैं कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ये सारी जो सारी एक्टिविटी है ये आपकी वजह से है, आप पेरेंट्स की वजह से है, ये आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को देखिए। ही सेड इन अ स्टन वॉइस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें कि ऐसी घटना ना हो। और उनकी माँ जो थी वो उनसे मतलब क्या होता है ना कि उन चीज़ों को एम्बेरसिंग फील कर रहे थे कि टीचर उनके घर आके उनके बच्चों के बारे में वो शिकायत कर रहे थे, तो इसलिए उनकी माँ जो थी वो सम अपोलॉजी कर रहे थे टीचर से कि चलिए माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस तरह से वो अपील कर रहे थे। और सिब्बी जो था वो डर रहा था कि ऐसा नहीं हमारे टीचर का नज़र जो है, जो अदर जो कद्दू है वो लटक रहा है, जो हम टांगे हुए हैं, जो मतलब ये जो क्लस्टर ऑफ जो पॉम्पकिंस है उस पर नज़र जाएगा तो टीचर क्या सोचेगा, वो तो एक पक रहा है और यहाँ तो लार्ज कलेक्शंस है, तो इस कलेक्शंस को अगर उसका नज़र जाएगा तो क्या सोचेगा टीचर, उसका उसका गुस्सा कितना हो, वो कितना गुस्सा होगा। वो सोचता था कि किसी तरह टीचर यहाँ से चला जाए, और टीचर चले जाते हैं। तभी क्या होता है ना कि उसकी माँ मतलब सिसक रही थी, वो अफसोस जता रही थी कि टीचर उनके घर आए उनके कंप्लेन लेकर, बच्चों का कंप्लेन लेकर दुखी थी। तभी उनके फादर मतलब दुकान से आ जाते हैं, शॉप से आ जाते हैं, और ये सब बात सुनते हैं उसके फादर। उसके बाद उनके फादर एक हथौड़ा लेते हैं और सारे कद्दू को क्या करते हैं, एस्मिस, पूरे को तहस नहस तोड़ फाड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है कि टीचर जो है ना वो जो पॉम्पकिन वो जो कद्दू जो सिब्बी से छीने थे वो एक पोर्टर को दे देते हैं, जो स्कूल में काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, उस पोर्टर को दे देते हैं कि ले जाइए आप। और मतलब बहुत दिनों के बाद पोर्टर को काफ़ी समस्या था पैसे का, उनके पास पैसे की कमी थी, तो पोर्टर ने सोचा कि चलो इस हम इस कद्दू को ले जाते किसी कोरियर शॉप पे बेच देते, कुछ तो पैसा मिलेगा,
वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि हाँ इसका 5 यान लगाएगा या 10 यान लगाएगा। वो एक कोई शॉप पे जाते हैं और उस शॉपकीपर को बोलते भाई इसको लेना है, वो देखता है एग्जामिन करता है और मतलब होता है ना बिना इंटरेस्ट का बोलता है कि नहीं नहीं इसका हम 5 यान देंगे। तो जो पोर्टर था काफ़ी इंटेलिजेंट था, वो सोचा कि भाई मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था 5 यान दे रहा है, बोला ज़रूर इसमें कुछ पैसा बढ़ सकता है दे सकता है ज़्यादा, बोला नहीं नहीं 5 यान में मैंने दूँ। तो इमिडिएटली जो शॉपकीपर था वो बोला कि चलो 10 यान देते, फिर भी ये बना रहा कि नहीं भाई 10 यान में देते, 10 यान दे रहा है। तो फाइनली वो बोलता है कि चलो हम आपको इसका 50 यान देते, और फाइनली 50 यान में पोर्टर जो है वो कद्दू को शॉपकीपर को दे देता है। काफ़ी इंटेलिजेंट था, लेकिन पोर्टर इतना इंटेलिजेंट नहीं था, क्योंकि ये कद्दू ये जो कोरियर शॉप जो थे दुकानदार थे वो जो खरीदा वो मतलब बड़े मतलब डीलर को जब बिक्री किया तो वो 600 यान में बिक्री किया। ना तो टीचर को पता है कि उस कद्दू के बारे में क्या हुआ, ना तो सिब्बी को पता है कि उस कद्दू के बारे में क्या हुआ, उस कद्दू के साथ क्या हुआ। और पोर्टर ने ना तो वह सिब्बी को बताया ना तो वह टीचर को बताया। और मानो कि उस पोर्टर को तो एक गिफ्ट मिल गया, 1 ईयर का जो पूरी सैलरी होती है वो उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके इक्विवेलेंट था, मतलब साल भर वो जितना कमाते थे वो एक कद्दू दे गया, उसका प्राइस उसको दे गया, वो काफ़ी खुश था। तो क्यों हम जाए सिब्बी को बताने या टीचर को बताने, ठीक है, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया और न सिब्बी को पता लगा न तो टीचर को पता लगा कि उस कद्दू के साथ क्या हुआ। अब सिब्बी जो है उन चीज़ों को भूल चुका है, अब वह न टीचर के प्रति उतना ज़्यादा गुस्सा है या हेटफुल है, न तो अपने फादर के प्रति, अब वो बिल्कुल कूल हो चुका है, सब चीज़ों को भूल चुका है, नॉर्मल हो चुका है। लेकिन अब वो आप क्या करता है ना, पेंटिंग कर रहा है, लेकिन पेंटिंग के प्रति भी उनके जो फादर हैं वो उसको मना कर रहे हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो देखा हमने इस स्टोरी में, दिखाया कि किस तरह से इस स्टोरी में एक तो पेरेंट्स हैं जो कि इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसके बाद टीचर हैं वो इन चीज़ों को पहचानते तो ज़रूर है लेकिन इन चीज़ों को वह यूज़फुल नहीं मानते, इन चीज़ों को एजुकेशन नहीं मानते, क्रिएटिविटी नहीं मानते, इनको आर्ट नहीं मानते, इस पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। इवन जो कोरियो शॉप थे जो डीलर था उसने भी ये नहीं पूछा कि भाई ये कौन बनाया, कहाँ से आया, उसने टैलेंट के बारे में जानने की कोशिश नहीं किया, इसको इग्नोर किया। इवन पोर्टर ने भी इग्नोर किया। तो देखा सब ने इन चीज़ों को इग्नोर किया, पूरी सोसाइटी ने इसको इग्नोर किया। तो किस तरह से हम जो अपने बच्चों की जो टैलेंट होती है उसको हम नहीं पहचान पाते हैं, इवन हमारी हमारे जो टीचर है वो नहीं पहचान पाते हैं, और किस तरह से उनके टैलेंट को उनके क्रिएटिविटी को हम डैमेज कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी के थ्रू काफ़ी सिग्निफिकेंट मैसेज को सिगोनियो बता रहे हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सी यू इन द